1200 बोरियां बरामद, खाद दे सैंपल भी हुए फेल। मामला दर्ज होने तो बाद खाद स्टोर मालक हो गया फरार। सुपरफास्ट खाद दे बैगां नाल भरे ट्रक नूं अणअधिकारत तौर ते गुरदासपुर विच अनलोड करन वाले गुरदासपुर दे इक खाद स्टोर मालिक ते थाना दीना नगर दी पुलिस ने मामला दर्ज कीता। जानकारी मुताबक खेतीबाड़ी विभाग वालों पुलिस नूं सूचना दित्ती गई सी कि एक व्यक्ति तरन तारण दी खाद नूं गुरदासपुर दे विच गलत तरीके नाल उतार रहा, जिस तों बाद पुलिस ने मौके ते ट्रक नूं कब्जे विच लै के खाद दीआं 1200 बोरियां नूं जब्त कर लिया। इस संबंधी जानकारी दिंदिया खेतीबाड़ी अफसर ते मुख खेतीबाड़ी अफसर कमलप्रीत सिंह ने दस्सिया कि उन्हां नूं सूचना मिली सी कि एक व्यक्ति अणअधिकारत तौर ते किसी होर जिले दी खाद नूं गुरदासपुर विच उतार रहा, इसलिए जांच करन लई मौके ते खेतीबाड़ी विकास अफसर अमृतपाल सिंह ते मनप्रीत सिंह नूं भेजिया गया। चैकिंग दौरान पाया गया कि खाद सुपरफास्ट दे 1200 बैग, जिन्हां दा बिल सचदेवा ट्रेडर्स तरन तारण दे नां ते कट्टिया होया, जबकि उक्त खाद महाजन मार्केटिंग जेल रोड गुरदासपुर वालों अणअधिकारित तौर ते ट्रक ड्राइवर दी मिली भुगत नाल अमृतसर पठानकोट बाईपास होटल दे नेड़े ट्राली विच अनलोड कीती जा रही है। उक्त आरोपियां वालों जिहा करके किसानां नाल ठगी अते धोखाधड़ी कीती जा रही है। उन्हां कहा कि इस खाद दे सैंपल भी जांच लई भेजे गए ने, जिन्हां दे सैंपल फेल पाए गए ने। दसो साबत हुंदा कि खाद हल्की है। इस सारे मामले दी सूचना दीनानगर पुलिस नूं दित्ती गई है। दीनानगर पुलिस ने उक्त खाद स्टोर मालक ते मामला दर्ज कर लिया अते उसनु गिरफ्तार करन लई छापेमारी कीती जा रही है। क्या टी न्यूज़ नेटवर्क लई खुशीपुर कलानौर तो लप्री सिंह दी रिपोर्ट। ये ना खाद जिहड़ी है अपने ना किसान फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड तो आ रही सी, ये जिहड़ी 1200 बैग आ, ये बिल जिहड़ा सीगा पट्टी सचदेवा ट्रेडर दे नां ते सी, उत्थे जाणी सी, पर ये गैर तरीके नाल अणअधिकार तौर पर इतने साढ़े गुरदासपुर आ के बाईपास से सबवे के नाल लथ रही थी। सानू भरोसेजोग सूत्रों को पता लगा भी इतने कोई गड्डी जी खड़कते खाद ला रही है ट्राली से। मेरी जी इनफोर्समेंट की टीम है अमृतपाल सिंह, एडीओ अमृतपाल सिंह ते एडीओ मनप्रीत सिंह, वो मौके पर गए, उन्होंने जाके बिल वगैरह चैक किए, वो पाया गया भी गुरदासपुर की खाद नहीं। इस करके इन्होंने तुरंत उस खाद को सील किया तो सैंपल लैके बॉर्डर भेजा। ये मौके पर उस वे एफ आई आर कराई, जिसका नंबर जोड़ा वा 0163 आ, वो असी मौके पर यह सारी स्टडी जी अं पुलिस के हवाले करती है। जे वे 1200 चो 700 कुछ बैग जोड़े गड्डी से, बाकी 470 बैग गड़े ट्रक के, 430 बैग जोड़े से वो ट्राली के लथ गए थे। कौन लवा रहा है? ये अपने डीलर इतने वरिंदर सानू ट्राली वाले ने दसिया भी ये खाद जी वरिंदर महाजन लवा रहे हैं। ये कारोबार है? उन्होंने खाद का कारोबार है जी। की कार्रवाई की सर? उन्होंने असी सारा माल जोड़ा वा फड़ के मतलब थाने दे दिता, तो लबोरटरी जी का रिजल्ट हमने सू प्राप्त होया 2 मिनट पहला, वो जी सब स्टैंडर्ड पाई गई है, तो वो असी जी हूँ रिजल्ट आ गया। असी अपनी कार्रवाई करते हैं, हूँ महल का चलान कोर्ट च पेश हो गया, अगली कार्रवाई कोर्ट ने करनी। सर क्यों खाद इतनी लानी जांदी, की कारण की है? क्यों लाई नहीं दो? ये सारा मतलब बिल तो बिना माल बेच रहे थे, अनऑथोराइज सीगा, जिन्हों सानू सारा जब्त करना पिया। कितने घटिया क्वालिटी खाद है? हाँ जी, उसका सैंपल सानू दसदा भी वो 16% अपने सिंगल सुपरफाइड 16% होंगी, वो वापस आई है, मतलब घटिया किस्म की है। हाँ जी, ये 16 की जाए 12.39 आई है जी। यदा की मतलब? फिर मतलब जी परसेंटेज है खाद के 100 चो 16% होनी चाहिए, 16% होंगी है, पर आई है 12.29, मतलब माड़ी किस्म ही। मतलब हाँ जी, वो जी वेरिएशन आई है तकरीबन कह लो भी, हाँ जी 3.71 की वेरिएशन आई है। डीलर खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? विभागी कार्रवाई की होगी ये खिलाफ असं अगली कार्रवाई जी हम लाया वा, साढ़े को सैंपल फेल होया और बनती कार्रवाई हम अज तो शुरू कर रहे हैं। की कार्रवाई कर सकते हैं विभागी तौर पर? उन्होंने अं पहला नोटिस क्ढा तो फिर सू दसया जाए भी खाद तुम क्यों अनऑथोराइज क्यों मंगाई है, वो अपना जवाब देने उस अगे फिर अं जो भी कार्रवाई होगी लाइसेंस रद्द होगा जो भी कार्रवाई होगी करांगे। परचा दे खिलाफ अगला उन्होंने परचा भी हो गया वा, वो कार्रवाई थाने चलूगी। हम एक दरखास्त वालों एग्रीकल्चर अफसर मसूल थाना हुई सी, इस संबंध में एफ आई आर नंबर 163 दर्ज की गई है। ये कंपनी की जी खास सी
कंपनी ने जिहड़े बिल कटे सी ओह तरन तरन साइड दे कटे सी और गुरदासपुर यह माल नहीं आ सकता। ये टोटल 1200 कट्टा वा। इस संबंध में एफ आई आर दर्ज की है, दोषियों को जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और पूरी तफ्तीश जी अमल में लिया जाएगी।